नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में अपनी स्टडी करी थी विलोपन अभिक्रिया की। किसकी? हेलो एल्केन की। विलोपन अभिक्रिया की एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। अब इसके बाद में अगली रिएक्शन है हेलो एल्केन की धातुओं से अभिक्रिया। हेलो एल्केन की धातुओं से अभिक्रिया, तो देखते हैं अपन हेलो एल्केन की धातुओं से अभिक्रिया। हेलो हेलो एल्केन की धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, से अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट, हेलो एल्केन की धातुओं से अभिक्रिया, रिएक्शन विद इन मेटल, ठीक है। अब इसके अंदर पहली अभिक्रिया है सोडियम धातु से अभिक्रिया, किसे? Na से अभिक्रिया। और Na से जो अभिक्रिया होती है उसका एक स्पेशल नाम, विशिष्ट नाम है वोल्टेज अभिक्रिया। क्या नाम है? वोल्टेज अभिक्रिया, ठीक है। और Na से जो हेलो एल्केन की अभिक्रिया होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? शुष्क ईथर की, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो देखिए, हेलो एल्केन की शुष्क ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया से एल्केन का निर्माण होता है और इसे ही क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। देखिए, ये है अपना हेलो एल्केन RH, ठीक है। इसकी रिएक्शन में कराता हूं सोडियम से, तो अब इसमें दो लेने पड़ेंगे, दो अणु हेलो एल्केन के। हेलो एल्केन को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, ठीक है। और ये सोडियम के भी लेने पड़ेंगे कितने? दो परमाणु, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन संपन्न होगी? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, इसकी प्रेजेंस में। तो देखो, यहां से एक्स और यहां से भी एक्स, और दो एक्स और दो एन ए, टू एन एक्स बन जाएगा। और ये एल की जोड़ के क्या बना लेगा? एल के। तो क्या निकला बाहर? 2NaX बाहर निकला और R का निर्माण। ये क्या बन गया? ये बन गया एल्केन, ठीक है। तो मैंने यही कहा था कि सोडियम से अभिक्रिया शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं और किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण। किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसका निर्माण हो रहा है, एल्केन का निर्माण, ठीक है। ये अपनी हेलो एल्केन की अभिक्रिया किससे हो गई? सोडियम धातु से। और सोडियम धातु से जो हेलो एल्केन की अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन के बाद में जो अपनी अगली रिएक्शन है हेलो एल्केन की मेटल से, वो है अपनी मैग्नीशियम से अभिक्रिया। किससे है? मैग्नीशियम से अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है मैग्नीशियम, Mg धातु से अभिक्रिया, Mg धातु से अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। और जैसे ही मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया होती है, वो भी किसकी प्रेजेंस में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और किसका निर्माण होता है? ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड बोलते हैं जिसको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड एजेंट का निर्माण। क्या निर्माण होता है इसमें? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है स्टूडेंट। देखिए,
ये अपना हेलो एल्केन, ठीक है, ये अपना हो गया हेलो एल्केन, और इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं मैग्नीशियम धातु से, और इसकी प्रेजेंस में सोस्के इथर की प्रेजेंस में, डाई इथर की प्रेजेंस में, तो बनता है अपना क्या आर एम जी एक्स, और इससे ही बोलते हैं अपन क्या ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नार रिजेंट बोलते हैं इसे ही। तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके बाद में धातुओं से अभिक्रिया में इसकी लास्ट रिएक्शन है जिंक धातु से अभिक्रिया, जिंक धातु से, और जिंक धातु से अभिक्रिया करते हैं तो फ्रैंकलैंड अभिक्रमण का निर्माण होता है। देखिए तीसरी अभिक्रिया जेडन धातु से अभिक्रिया, जिंक धातु से अभिक्रिया, तो देखो जिंक धातु से जैसे ही इसकी रिएक्शन कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण निर्माण होता है कब, जब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, जिंक धातु से कराते हैं तब। देखो ये है अपना आर एक्स, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं जेडन से, किससे जेडन से, तो दो ही क्या लेंगे अपन, दो ही लेंगे आर एक्स और दो ही जेडन एक्स आर, तो यहां से एक्स और एक जेडन और एक एक्स ऐसे, मतलब और एक जेडन है ना, इन दोनों से क्रिया करेगा, देखो इन दोनों से क्रिया करेगा एक जेडन को, ठीक है, और एक जेडन एक्स टू, जेडन एक्स टू का निर्माण हो जाएगा। देखो जेडन एक्स टू का फॉर्मेशन हो गया और साथ में क्या बन गया आर, ठीक है, जेडन आर, या इसको बोल सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं आर टू जेडन, ये बन गया, ठीक है। किसकी पर किसके अभिक्रिया कराते हैं, हेलो एल्केन की जेडन धातु से कराते हैं, तो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, इसको फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, जब एल्किल समूह की जगह अपन क्या जोड़ते हैं CH3CH2 एथिल समूह जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, फ्रैंकलैंड अभिक्रमक, जैसे देखते हैं ये है CH3CH2 एक्स एक्स Br ले लो या Ca ले लो प्लस जेडन, जेडन कितने दो, प्लस यहां पे भी बी आर सी एच टू सी एच थ्री, ये भी आर एक जेडन से, और एक जेडन इन दोनों से जुड़ जाएगा और देखो क्या बन रहा है सी एच थ्री सी एच टू जेडन सी एच टू सी एच थ्री, और यहां से बाहर निकल रहा है क्या जेडन बी आर टू, इसको ही बोलते हैं अपन क्या फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, क्या बोलते हैं इसको फ्रैंकलैंड रीजेंट, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। तो जिंक धातु से हेलो एल्केन की अभिक्रिया करवाने पर इसका निर्माण होता है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो गई अपनी किसकी हेलो एल्केन की जिंक धातु से अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है हेलो एल्केन की अपचेन, ठीक है, अगली है हेलो एल्केन का अपचेन, लास्ट रिएक्शन हेलो एल्केन की है हेलो एल्केन का अपचेन, रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। अगला है हेलो एल्केनो का अपचेन, अपचेन
ठीक है, हेलो एल्केनो का अपचयन रिडक्शन, क्या रिडक्शन। तो जो हेलो एल्केनो का रिडक्शन है ना, उस रिडक्शन से अपचयन से किसका निर्माण होता है, इससे बनता है एल्केनो का निर्माण। इसमें भी किसका निर्माण होता है, एल्केनो का निर्माण, ठीक है। इस रिएक्शन के दौरान भी एल्केनो का फॉर्मेशन होता है हेलो एल्केन से, ठीक है। इसमें कुछ क्या है, अपचायक के रूप में काम लेते, उपयुक्त अपचायक। तो इस अभिक्रिया के लिए जो अपचायक होते हैं वो देखो कौन कौन से, अपचायक। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के लिए अपचायक होता है तो एल आई ए एल एच फोर, ठीक है। इस अपचायक का यूज ले सकते हैं, एक ले सकते हैं जेड एन एच सी एल का, ठीक है। एक ले सकते हैं पी एच आई का, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ले सकते हैं अपन एन ए सी टू एच फाइव ओ एच का। इनका किसके रूप में काम लेते हैं, अपचायक के रूप में। हेलो एल्केन के अपचयन से एल्केनो का निर्माण होता है, और इसमें अपचायक के रूप में एक तो LiAlH का उपयोग कर, AlH4 का, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, ZnHCl का उपयोग कर सकते हैं, PHI का उपयोग कर सकते हैं, NaC2H5OH का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसका अपचयन, ये अपना हेलो एल्केन है, और इसका अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ना, तो दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, और क्या किसकी प्रेजेंस में, अपचायक, और अपचायक या रिडक्टिव एजेंट, ठीक है। और ये अपचायक कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारे में किसी को। तो अब देखो यहां से एक X और यहां से एक H, माइनस एच एक्स बना लेंगे, ठीक है। एच एक्स बाहर, और यहां पे एक R, ये R और ये H, R H, और R H होता है अपना क्या, एल्केन। एल्किल समूह में हाइड्रोजन जोड़ने पर एल्केन का ही निर्माण होता है। एल्किल का आप देखो फॉर्मूला क्या होता है, एल्किल, एल्किल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1, ठीक है। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही नहीं है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो आप देखो इस एल्किल में एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एल्केन, क्या बनता है, एल्केन। तो ये क्या हो गया, हेलो एल्केनो का अपचयन, और हेलो एल्केनो के अपचयन से किसका निर्माण होता है, एल्केन का, और इसमें अपचायक के रूप में ये अपचायक काम में लेते हैं। ये हेलो एल्केन की क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। अगला जो वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया का स्टडी करेंगे, हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन, या अपन उसमें मोस्टली लेंगे क्लोरोबेंजीन, उसकी रासायनिक अभिक्रिया की स्टडी करेंगे। थैंक यू।